यूट्यूब चैनल हमारे साथ। तू बोल रहा पहले। अब बारी है जी बच्चों को स्कूल छोड़ने की और बच्चा पार्टी तैयार है। चलो भाई चल। ये हमारा अलार्म है, ये हमारा अलार्म है। सही रात ना, सही रात सोने नहीं देता। हर आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद इसका अलार्म बज जाता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक यूट्यूब चैनल हमारे साथ। तू बोल रहा पहले। दिस थक थई लूसी भेणा। पीछे ही बैठे। लास्ट वीडियो कवे पे बनाई थी, आज कवा तंग कर रहा, पता नहीं क्या हो गया। मैंने बताया ना, ये बड़ी ऐसी ढीठ नस्ल है, ऐसी ढीठ किस्म का ये परिंदा है। ये बदला लिए बगैर रहता नहीं है। खैर, आई होप कि आप बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत वाफियत के साथ होंगे। आज वंस अगैन फिर मेहरापुर में बहुत सारे बादल आ गए हैं और मौसम भी बहुत शदीद हो गया। और मैं आपको क्या लगता कि ऐसे खड़ा हूँ, सर्दी नहीं है भाई, सर्दी बहुत है। मैं सर वीडियो के चक्कर में ऊपर आ गया हूँ, कोट शोट नहीं पहना मैंने, लेकिन आज मेहरापुर में सर्दी बहुत है। खैर, मैं छत पे काम से आया था, मैंने कहा चलो आज का व्लॉग स्टार्ट कर लें। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ठोक दो। मुझे नहीं पता, उसको लात मारो, घुसा मारो, जो लाल कलर का बटन है वो दब जाना चाहिए, जिस तरह मर्जी दबाएं आप। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। जब तक मैं नहा लूँ तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नहाने के बाद। अब बारी है जी बच्चों को स्कूल छोड़ने की और बच्चा पार्टी तैयार है। चलो भाई जल्दी बैठो मोटरसाइकिल पे। 10 minutes later बच्चों को स्कूल छोड़ के आ गया हूँ वापस। इतनी ठंड है आज, बगैर स्कूल नहीं जा हो रहा। तो रात गए देर से, बड़ी हुई बारिश, लोग सोए रह गए और बादल अपना काम दिखा गए। ये देखें आप, रात बारिश हुई है। तो खैर, अब करने लगा हूँ मैं नाश्ता। नहीं, पहले नहाऊंगा फिर नाश्ता करूँगा। नाश्ता करने के बाद जो भी एक्टिविटीज़ होगी आपको साथ के साथ रखेंगे। यार वीडियो पूरी देखा करो, यूट्यूब एवरेज बताता है कि 2 मिनट आपकी वीडियो देखते हैं लोग, उसके बाद वीडियो नहीं देखते। ये को फजीलत है यार। 5-6 मिनट की वीडियो थी, वो तो पूरी देख लिया करो आप। एक तो ना ये हमारा अलार्म है, ये हमारा अलार्म है। सही रात ना, सही रात सोने नहीं देता। हर आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद इसका अलार्म बज जाता है। ये जी है मेरा सन, मेरा बेटा अब्दुल्ला। इसका काम ही बस एक ही है, रात को अलार्म बजाना। हर आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद इसका अलार्म बजता है। कहते ना सोवागे ना सोन दवागे। तो खैर, अभी मैं नहाने लगा हूँ, नहा के ही करता हूँ नाश्ता। तो नाश्ता करने के बाद जो भी एक्टिविटीज होगी आपके साथ शेयर करते जाएंगे। वीडियो पूरी की पूरी देखा करो, साथ के साथ देखते रहा करो, वीडियो में जुड़े रहा करो। A few moments later. तो जी नाश्ता वाश्ता कर लिया है, तो तैयार व्यार होके जाते हैं थोड़ा बाहर, सैर तफरी करके आते हैं। जुम्मे के दिन छुट्टी वुट्टी मिलती है, फिर फूर के आ जाते हैं कहीं इधर उधर वारा गर्दी करके। हमें और कोई उनसे काम होता है जुम्मे वाले दिन, या घर बैठो या बाहर जाकर चक्कर लगाओ। तो जहाँ जाएंगे आपको साथ ही लेके चलेंगे, ये छोड़ के नहीं जाएंगे, आपको जुड़े रहिएगा वीडियो में। तैयार श्यार हो गए और अब बारी आती है शूज की। 1, 2, 3। तो आज जी आउटिंग के लिए शू सही रहेगा, ये वाले। ये कंफर्टेबल है बड़ा, मतलब किसी ज़मीन वमीन पे चलते हैं तो बड़ा मज़ेदार कंफर्टेबल शूज़ है। अब ये ना पूछना कितने का आया, कौन सी कंपनी का है, ये नहीं बताते हैं, ये थोड़ा सीक्रेट होता है। 1 hour later 80 तरक्की खा करनी है, जो काम कर लगते हैं, जो तरक्की करने लगते हैं तो कोई ना कोई कम याद आ जाता है। बात यह है कि हमने तरक्की खा करनी, जब भी हम तरक्की कर लेते कोई ना कोई काम हमारा अधूरा रह जाता है। हम काफ़ी दिन से सोच रहे थे कि जो शक्करकंदी है, मतलब जिसे लाहौरी गाजर भी कहते हैं, उसे ना घर में पकाया जाए कोयलों पे। तो काफ़ी दिन से सोच ही रहे थे, तो मैंने सोचा आज करके जान चढ़ाएं। तो आ गया हूँ मैं छत पे। तो ये मैंने एक दाबड़ा है, इसको हम तगारी भी कहते हैं, इसको मैंने अभी पहले किचरे के साथ भरी थी, इस किचरे के साथ इसको मैंने खाली किया इसके अंदर। अब इसके अंदर हम भरेंगे कोयले। अब कोयले हमारे पड़े हैं दूसरे वाले घर में, सामने वाले घर में, वहाँ जाता हूँ, इसके अंदर कोयले भरता हूँ और उसको तैयार करके रख देता हूँ, क्योंकि शाम को आने मेहमान
कुछ पार्टी वार्टी करनी है तो लाहौरी गजर जो है वो हम वैसे तो बॉयल करके भी खा सकते हैं, लेकिन हमने सोचा कि उसको क्यों ना कोयलों के ऊपर पका के खाएं तो उसका मज़ा ही दुबाला हो जाता है। तो फिलहाल चलते हैं दूसरे घर में और इसमें डालते हैं कोयले। कोयले डालने से पहले इस तावड़े के अंदर हमें डालने पड़ेंगे थोड़े से पत्थर, और वो पत्थर पड़े हुए यहाँ पे, ये हमारे एक पड़ोसी के हैं। मैंने उनसे पूछा तो नहीं है, बात पूछ लेंगे केड़ा की फर्क पंदा वा बट्टी की करन लगा, मेरा कम तो कर, इधर आना पत्थर दे भर के दे, पत्थर दे पा के दे, इधरों नहीं मोटे 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 पत्थर उतो चुकने ये पाने हैं, मोटे पत्थर मोटे उतो हाँ लैके ये पा दे, शाबाश होर लग गया। रहन दे ओ तू रहन दे, मैं खुद ही कर लूंगा, तू रहन दे तीन दिन ला देगा। पत्थर इसलिए डाले हैं इसके नीचे ताकि जब कोयले डालें तो उसकी वजह से ये गर्म ना हो जाए, ये दाबड़ा गर्म ना हो जाए। अगर ये गर्म होगा तो नीचे फर्श गर्म होगा, फर्श गर्म होगा तो ये फर्श को तोड़ देगा, ख़राब कर देगा। आ गया हूँ दूसरे वाले घर में जहाँ पे कोयले रखे हुए थे और कोयले पड़े हुए हैं ये सामने, और अब इसका मुँह खोल के देखना, कोयले तो भाई बहुत बड़े बड़े हुए, तो इसमें से हम छोटे छोटे कोयले निकाल लेते हैं। तुम तो बाहर आ जाओ, जी फिलहाल इतने कोयले काफ़ी हैं, ये आम कोयला नहीं है, बड़ा स्पेशल कोयला होता है जो जलता भी बहुत देर से है और आग और बहुत देर तक ये सुलगता भी रहता है, मतलब इसे आग भी देर से लगती है और लॉन्ग टाइम तक लगी रहती है। तो आगे की रेसिपी जो है वो नए व्लॉग में बताएंगे, क्योंकि ये व्लॉग जो है लंबा होता जा रहा है और मुझे जो है ना थोड़ा नहाना धोना भी है। तो खैर आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म, उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा।